लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभाओं में चौथे चरण में मतदान होना है, लेकिन किसानों का मुद्दा हो या फिर बाढ़ का मुद्दा, इन सभी मुद्दों को लेकर इस बार के समीकरण काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैसे तो लखीमपुर खीरी की पहचान उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले और गन्ना उत्पादन के लिए है, लेकिन पिछले 6 महीने में लखीमपुर खीरी की पहचान बदल गई है। लखीमपुर खीरी अब लखीमपुर में सितंबर में हुई हिंसा और उसके बाद के घटनाक्रम के लिए जाना जाता है, और इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे का नाम सामने आया। उसके बाद ये क्षेत्र सियासत का हॉटस्पॉट बन गया। क्या प्रियंका, क्या अखिलेश, क्या राहुल, क्या जयंत, हर नेता ने लखीमपुर पहुंचकर किसानों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की, और अब लखीमपुर में चौथे चरण में मतदान होना है। यहां 23 फरवरी को वोटिंग होगी। लखीमपुर खीरी जिले में 8 विधानसभा सीटें पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी है जिनमें चुनाव होना है। इस बार लखीमपुर खीरी विधानसभा सीट काफी अहम मानी जा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने लखीमपुर खीरी में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिले में तेजी से हालात बदले हैं। प्रदेश भर में इस मुद्दे पर खूब राजनीति हुई है। किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन हाय दोगुनी हुई है। जिस तरीके से आंसू बहे हैं किसानों के, किसान के परिवारों के, एक एक आंसू इनको डुबाने का काम करेगा। वैसे इस बार जिले में मुद्दों से ज्यादा बागी सियासी समीकरण बना और बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी पर 5 साल पहले के प्रदर्शन को दोहराने का दबाव होगा। दूसरी ओर सपा, बसपा और कांग्रेस इस बार अलग अलग रणनीति के साथ चुनावी समर में है। साल 2017 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार अपना दुर्ग बचाने की चुनौती है। खीरी जिले के तिकुनिया कांड के बाद के हालात और किसानों के मुद्दों की परीक्षा भी इस चुनाव में होनी है। इसके साथ ही अलग अलग तार ठोक रही विपक्षी पार्टियों की ताकत का अंदाजा भी इसी विधानसभा चुनाव में लग सकेगा। लखीमपुर खीरी जिले में 8 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिले के इन 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछले रिकॉर्ड की परीक्षा होनी है। इस बार सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा लड़ाई दिलचस्प है। बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर सिटिंग एमएलए को टिकट दिया है। 8वीं सीट धौरहरा से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी सपा में चले गए, तो उनकी जगह पर एक कार्यकर्ता विनोद अवस्थी को बीजेपी ने मौका दिया है। खीरी में सियासत किस करवट जाएगी, इस पर सबकी नजरें हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर अपने विधायकों के चेहरों पर ही दाव लगाया है, और सपा ने इस बार 4 पुराने और 4 नए चेहरों के साथ चुनाव में ताल ठोकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दाव पर है। जिले के नेताओं को बड़ा मुकाम हासिल है। इनमें से एक केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, जबकि दूसरी धौरहरा की सांसद रेखा अरुण वर्मा, जिनको बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ओहदा दिया है। इस चुनाव में भले ही दोनों सांसद मैदान में ना हों, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा जरूर दांव पर है। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार के मौजूदा मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का भी ये क्षेत्र रहा है। वो यहाँ के धौरहरा सीट के सांसद रहे हैं, उनका प्रभाव जिले में है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि लखीमपुर खीरी जिला ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र ही माना जाता है। यहाँ सिर्फ 10.8% शहरी मतदाता है, जबकि करीब 90% ग्रामीण जनता रहती है। गांव की जनता ही परीक्षा परिणाम लिखती रही है। इस लिहाज से गांव के मतदाताओं की सोच और उनके मुद्दे ज्यादा अहम हो जाते हैं। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर तो बाढ़ की तबाही ही बड़ा मुद्दा है, तो वहीं तराई की इस गन्ना बेल्ट में सबकी नजर किसान और किसानी के मुद्दों पर है। यानी कि साफ है कि इस बार लखीमपुर खीरी की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होगी। एक तो किसान आंदोलन की
धधकती भूमि, ऊपर से चुनाव, यानी कि लखीमपुर खीरी की जंग बेहद ही रोचक होने वाली है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। जनतंत्र टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।